गुड मॉर्निंग भाई। आज क्या कराने वाले हैं सर क्लास में? आज शायद न्यू चैप्टर शुरू होगा। ब्रेक इवन खत्म हो गया है। मैंने भी लास्ट टू कौन सा क्लासेस वाला कर लिए रहे हैं थे। आज? फोरकास्टिंग? हाँ मैंने भी फोरकास्टिंग करेंगे क्या आज? क्या पता, लास्ट टू क्लासेस मैंने भी नहीं लिया यार। दो तीन ब्रेक इवन पढ़ा रहे थे ना सर। फोरकास्टिंग करवा लो। फोरकास्टिंग आता है एग्जाम में, ये करवा लेते हैं। ये भाई आया ना, उसने ली थी क्लास, उससे पूछो, शिवम भाई से। हेलो भाई, हाँ, क्या हुआ? क्या कराएंगे आज सर? आवाज नहीं आ रही है तेरी। हेलो, सर क्या कराएंगे आज? फोरकास्टिंग? आज फोरकास्टिंग बोली थी सर ने। हाँ,
गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग यार. एक्चुअली क्लास में स्टार्ट कर चुका हूँ मैं अभी. इस मीटिंग में होस्ट नहीं हूँ तो मैं जो कोऑर्डिनेटर है उनको कॉल कर रहा हूँ MITS के मेरे को होस्ट बनाने के लिए. 2 मिनट आप लोग वेट करिएगा ना, वो फोन नहीं उठा रहे हैं. यस सर. किसी को मीटिंग क्रिएट करना आता है? हेलो. यस सर. यस सर. काम करो कि ये मीटिंग से एग्जिट करके एक दूसरी मीटिंग क्रिएट कर लो, है ना. उसमें जो क्लास में अभी लोग यहाँ पे बैठे हैं उन्हीं को ऐड कर लो जल्दी से और मेरे को होस्ट बना देना, क्योंकि ये फोन नहीं उठाने में 5-6 बार ट्राई कर चुका हूँ. तो अभिषेक बना लूं मीटिंग. बनाओ, मैं एक बार और ट्राई करता हूं. उत्तर बना के मेरे को लिंक दे देना. हो गया रहने दो. ठीक है, फोन उठा लिया उन्होंने. Thank you.
हेलो सर, क्या हुआ? कोई भी नहीं आ रहा है। 1 मिनट यार, एक्चुअली मैंने सबको बोल दिया कि दूसरी मीटिंग करेंगे, इसमें मैं वो नहीं था और होस्ट नहीं था मैं, तब तो तक सब लोग चले गए। यार 2 मिनट रुके होते सब लोग थे यहाँ पे। चलिए आ रहे हैं सभी धीरे धीरे। चलिए स्टार्ट करता हूं फिर मैं आज का सेशन, बिना समय अपना बर्बाद किए आपका भी। तो ये बताओ कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें? बोलो, आप लोगों के एग्जाम्स पास में हैं, कोई ऐसा टॉपिक है क्या जो एग्जाम एग्जाम में आने वाला है तो बता दो, तो मैं उस हिसाब से स्टार्ट कर देता। फोरकास्टिंग सही रहेगा। फोरकास्टिंग? यस सर। सर लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग। फोरकास्टिंग क्यों सही रहेगा? फोरकास्टिंग के पीछे क्यों पड़े हो, क्या रीजन है भाई? सर एग्जाम में आता है, गेट एग्जाम में। अच्छा टॉपिक गेट एग्जाम में तो भाई सब आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, गेट एग्जाम में सब आ सकता है। चलिए फोरकास्टिंग से पहले सोच रहा हूं मैं लीनियर प्रोग्रामिंग ही कर लें, है ना? उसके बाद फोरकास्टिंग कर लेंगे। पहले एलपीपी ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट ही कर है लेते, सर। थोड़ा बड़ा टॉपिक है। एक बार वो बड़ा टॉपिक जल्दी हो गया तो फिर क्या है कि छोटे टॉपिक जल्दी हो जाएंगे। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। नोट्स बनाते चलेंगे अपनी अपनी कॉपी में, ठीक है? टुडे वी विल स्टार्ट विथ एलपीपी, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। चलो ये बताओ मेरे को कि लीनियर प्रॉब्लम क्या होता है? व्हाट इज अ लीनियर प्रॉब्लम? बोलो भाई। सर जिस वो प्रॉब्लम सर जिसे मैथमेटिकली लीनियर वे में एग्जैक्टली। अरे यार 7वीं कक्षा में पढ़े हो, कहाँ इतना परेशान हो जाते हो, कोई
कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, ऐसा इक्वेशन, ऐसी प्रॉब्लम, ठीक है, जिसमें जो वेरिएबल्स हैं दे हैव अ लीनियर डिग्री, पावर वन, लाइन की इक्वेशन y बराबर mx प्लस c, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है. सो ऐसी प्रॉब्लम्स जिसमें वेरिएबल्स जो हैं उनकी डिग्री एक है, दोस प्रॉब्लम्स आर बेसिकली लीनियर प्रॉब्लम्स. हम लोग सीख चुके हैं कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाता है, पता नहीं 50 तरीके जानते होंगे, मैट्रिक्स मेथड, ये मेथड, वो मेथड, ठीक है ना, सुनते चलना मेरी बात को. तो देखो क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, फिर एक तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट में आके, कॉलेज में आके फिर से लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना, लीनियर प्रॉब्लम्स पढ़ना, व्हाई वी आर डूइंग दिस, क्या बोलता है इसका कॉन्सेप्ट, कि हमारे आसपास जितनी भी प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं, जितनी भी सर्कमस्टेंसेस जनरेट हो रही हैं, अगर उन पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस और प्रॉब्लम्स को आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, सपोज आप कोई गोल, कोई एम रखे हुए हैं, आप लोगों का एम है कि भैया गेट के एग्जाम में हम लोगों को एक अच्छी रैंक सिक्योर करनी है, तो इस गोल के बीच में आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स आने वाली है, अगर आप उन प्रॉब्लम्स को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यू विल फाइंड कि दोज आर नथिंग बट बेसिक लीनियर प्रॉब्लम्स. अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा नंबर वन एक कंस्ट्रेंट आपके पास टाइम है, समय है, जो समय आपके पास है अभी से लेके एग्जाम के बीच में, उस समय का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन से सब्जेक्ट को कितना समय एलोकेट करना है, समय किस हिसाब से एलोकेट करना है, कितना समय पढ़ने में देना है, कितना समय टेस्ट सीरीज में देना है, कितना समय क्वेश्चन सॉल्विंग में देना है, ऑल दीज प्रॉब्लम्स जो हमें डे टू डे लाइफ में हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारे गोल्स को अचीव करने के बीच में एग्जिस्ट करती हैं, अगर हम उन प्रॉब्लम्स को ध्यान से देखें तो वी विल फाइंड दैट 90% एंड अबव, 90% से ज्यादा प्रॉब्लम्स आर बेसिकली लीनियर प्रॉब्लम्स. ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ दिया, पूरा का पूरा बिजनेस का प्रॉफिट लॉस का एनालिसिस कर दिया, सारी की सारी जो इक्वेशंस थी वो लीनियर इक्वेशंस थी, वेरिएबल्स हैविंग डिग्री वन. इसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस व्हेन इट कम्स टू डे लाइफ आर बेसिकली लीनियर इक्वेशंस. एलपीपी का कॉन्सेप्ट बोलता है कि 90% और ज्यादा प्रॉब्लम्स जो एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो आपकी डे टू डे लाइफ में हो, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के दौरान हो, किसी कंपनी को रन करने के दौरान हो, कोई इंडस्ट्री रन करने के दौरान हो, कोई सिस्टम रन करने के दौरान हो, चाहे वो सिस्टम वर्चुअल हो चाहे रियल हो. वर्चुअल मतलब आप और मैं अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं, जूम मीटिंग कर रहे हैं, ये एक सिस्टम है. इसको फॉर्मुलेट करने के लिए, बनाने के लिए जिन लोगों ने इसके पीछे की प्रोग्रामिंग की है, कोडिंग की है, वो भी अगर उन डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे होंगे तो दे मस्ट हैव अंडरस्टूड कि भैया द मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स आर बेसिकली लीनियर प्रॉब्लम्स. सुनते चलिएगा. तो सवाल ये उठता है कि इफ 90% एंड अबव प्रॉब्लम्स आर लीनियर प्रॉब्लम्स एंड इफ वी विल बी एबल टू सॉल्व दीज लीनियर प्रॉब्लम्स, अगर हम लोग इन लीनियर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं, देन वी विल एबल टू फाइंड अ प्रॉपर ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर अ पर्टिकुलर सिचुएशन.
अगर मैं आपके पास गेट का एग्जाम को निकालने के लिए जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, उन सारी की सारी कंस्ट्रेंट को, चाहे वो टाइम रिलेटेड कंस्ट्रेंट हो, चाहे वो मनी रिलेटेड कंस्ट्रेंट हो, चाहे वो आपका एक्स वाई जेड कुछ भी आपकी कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं कि भैया थोड़ा सा मैं स्पोर्ट्स करता हूँ तो मेरे को स्पोर्ट्स में समय देना है, कुछ लोग जिम करते हैं तो जिम में समय देना है, कुछ को गर्लफ्रेंड को टाइम देना है। तो अल्टीमेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि अगर मैं इन सारे के सारे कंस्ट्रेंट्स का इक्वेशन फॉर्मेशन कर लूं, इसको इस तरीके की मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दूं, लीनियर इक्वेशंस में, और फाइनली अगर मेरे पास मान लो कि सेट ऑफ 3, 4, 5 लीनियर इक्वेशंस हो जाती है, 5 अलग अलग ऐसी इक्वेशंस हैं जो कहीं ना कहीं इस ऑब्जेक्टिव को गवर्न कर रही हैं कि आप गेट का एग्जाम निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, और इन 5 इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूं तो मेरे को पता चल जाएगा कि भैया मेरे को कितना समय किस जगह पे एलोकेट करना चाहिए, मेरे को कितना बार टेस्ट देना चाहिए, मेरे को कितने बार गर्लफ्रेंड से मिलने जाना चाहिए, ताकि मैं अपने ऑब्जेक्टिव गेट के एग्जाम में अच्छा रैंक स्कोर कर पाऊं। हमको पता है कि कैसे तीन लीनियर वेरिएबल अगर किसी प्रॉब्लम में है, इफ देर आर 3 सेट ऑफ इक्वेशन, तो 3 सेट ऑफ इक्वेशन तक कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वी नो। 3 अगर इक्वेशंस हैं, चाहे मैट्रिक्स मेथड पढ़े हो चाहे कुछ भी पढ़े हो, आपको पता है कि अगर किसी सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन में 3 इक्वेशन का सेट है तो 3 इक्वेशन को सॉल्व करके अपन कैसे उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर 3 से ज्यादा हो गए, अबे रियल लाइफ में तो कोई लिमिटेशन नहीं होगी ना, हो सकता है 100 लीनियर इक्वेशन बन जाए, 1000 बन जाए, 1 करोड़ लीनियर इक्वेशन बन जाए। सो बेसिकली इन दिस चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज कि कैसे हम सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन, भले ही वो 5 हो, 50 हो, 50,000 हो, 5 लाख हो, कितनी भी लीनियर इक्वेशन हो, उन सबको सॉल्व करके हम लोग एक ऑप्टिमल सोल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा उस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए, उसको अचीव कर सकते हैं। यही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए लिखिए, राइट डाउन। A linear programming problem has all the equations. Bracket में लिखिएगा, Objective function and constraints bracket close as linear equations. उसी के नीचे लिखिएगा, सॉल्विंग एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हैज टू स्टेजेस। नंबर वन, फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी, एंड नंबर टू, फाइंडिंग आउट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन।
उसी के नीचे लिखेंगे अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज फॉर्मुलेटेड इन टू स्टेजेस. अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज फॉर्मुलेटेड इन टू स्टेजेस. A linear programming problem is formulated in two stages. Number one, objective function, and number two is constraints. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एन एलपीपी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय नंबर वन ग्राफिकल मेथड एंड नंबर टू सिंप्लेक्स एल्गोरिथम. चलिए जल्दी से समझ लेते हैं. देखो क्या बोलता है कि कोई भी एलपीपी है, ठीक है, कोई भी लीनियर प्रॉब्लम है. अब बेटा लीनियर प्रॉब्लम तो बाद में है, पहले तो समझो कि पहले तो कोई प्रॉब्लम है. फर्स्ट देयर इज अ प्रॉब्लम. कोई भी आपको सिचुएशन दे दी गई, सिचुएशन कुछ इस तरीके से दे दी गई है कि मान लो आपको बोल दिया गया है, कैसे बताऊं, मान लो आपको बोल दिया गया है कि आपको एक थोक प्रोडक्ट बनाना है. मान लो कि प्रॉब्लम ऐसी है कि आपको एक प्रोडक्ट बनाना है. लेट्स से दैट प्रोडक्ट इज एक्स. सुनते चलिएगा मेरी बात को. लेट्स से द प्रोडक्ट इज एक्स. आपको बोला गया है कि एक्स अगर आप बनाओ के बेचोगे तो आपको 50 रुपए का प्रॉफिट होगा एक एक्स के पीछे. सुनते चलिएगा मेरी बात को. सिमिलरली बोल दिया गया है कि एक प्रोडक्ट है वाई, इसको बना के बेचोगे तो आपको 60 रुपए का प्रॉफिट होगा. देर आर टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई. एक्स को अगर मैं बनाता हूं और बेचता हूं तो 50 रुपए का प्रॉफिट है, वाई को बनाकर बेचता हूं तो 60 रुपए का प्रॉफिट है. लेकिन बोलता है कि एक्स और वाई को बनाने के लिए मेरे को दो रॉ मटेरियल चाहिए, ए और बी. चाहे एक्स बनाना हो चाहे वाई बनाना हो, मेरे को ए और बी की रिक्वायरमेंट है. बोलता है एक्स बनाने के लिए एक ए चाहिए और एक्स बनाने के लिए मेरे को एक बी चाहिए. वहीं पर वाई बनाने के लिए मेरे को दो ए चाहिए और दो बी चाहिए. सुनते चलिएगा मेरी बात को. और आपको दे दिया जाए कि रॉ मटेरियल ए और बी जो है वो हर दिन 100 यूनिट ही अवेलेबल है. द टोटल क्वांटिटी ए एंड बी सेपरेटली, ए का 100 और बी का 100 यूनिट अवेलेबल है. तो देखो यहां पर मेरे को एक प्रॉब्लम दे दी गई है जहां पर मेरे को बोल दिया गया है कि रॉ मटेरियल ए बी हर दिन का 100 यूनिट अवेलेबल है. एक्स बनाने के लिए एक ए एक बी चाहिए. अगर यहां से एक ए ले लूंगा, यहां से एक बी ले लूंगा तो एक एक्स बना सकता हूं. लेकिन वहीं पर वाई बनाने के लिए मेरे को दो ए दो बी चाहिए. एक्स पे 50 रुपए का प्रॉफिट है, वाई पे 60 रुपए का प्रॉफिट है. सुनते चलना मेरी बात को.
मेरे से अगर ये पूछ दिया जाए, ये पूछ दिया जाए कि अगर मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, इफ आई वॉन्ट टू मेक मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट, तो मैं कितना एक्स बनाऊं कितना वाई बनाऊं, कितना एक्स बनाऊं कितना वाई बनाऊं ताकि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट में रह सकूं। एक्स ही बना देंगे है? क्या बोल रहे भाई? एक्स बना देंगे। देखते हैं ना, सुनो सुनो सुनो, एक मैंने यहाँ पे एक ऐसी प्रॉब्लम डिस्कस किया है, इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, यहाँ पर बेसिकली मैंने आपको एक सिचुएशन दे दिया, एक प्रॉब्लम दे दिया। अब इस प्रॉब्लम को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इस प्रॉब्लम में आपको हमेशा एक गोल, एक एम, एक ऑब्जेक्टिव दिया होगा। ऑब्जेक्टिव ये है कि आई वॉन्ट टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट, दिस इज माई ऑब्जेक्टिव, ये मेरा गोल है। और इस ऑब्जेक्टिव को रोकने के लिए कुछ बाधाएं दी होंगी, जिसको अपन कहते हैं कंस्ट्रेंट्स। दीज आर बेसिकली माई कंस्ट्रेंट्स, रुकावटें, ए और बी की लिमिटेशन। भैया ए बी की लिमिटेशन ही नहीं होती, मैं तो करोड़ों ए बी लाता, करोड़ों एक्स वाई बनाता, अरबों रुपया प्रॉफिट कमा लेता, बट ये मेरी लिमिटेशन है कि हर दिन ए और बी का 100-100 यूनिट ही अवेलेबल है। ये मेरी लिमिटेशन है कि एक एक्स बनाने के लिए एक ए चाहिए, एक बी चाहिए। ये मेरी लिमिटेशन है कि एक वाई बनाने के लिए दो ए दो बी चाहिए। ये मेरी लिमिटेशन है कि मैं एक एक्स पे 50 रुपए ही प्रॉफिट कमा सकता हूँ। ये मेरी लिमिटेशन है कि मैं एक वाई पे 60 रुपए ही प्रॉफिट कमा सकता हूँ। नहीं तो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए चाहूं तो एक्स को 1 करोड़ में बेच दूं। तो ये जो लिमिटेशंस हैं, जो रुकावटें हैं, इन्हीं को मैं कह रहा हूं कंस्ट्रेंट्स, और जो मेरा गोल है उसको मैं कह रहा हूं मेरा ऑब्जेक्टिव। एवरी प्रॉब्लम, वेदर इट इज लीनियर और नॉट, फर्क नहीं पड़ता। हर प्रॉब्लम का दो पार्ट होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव पार्ट और एक होता है कंस्ट्रेंट पार्ट। कंस्ट्रेंट बेसिकली वो होते हैं जो हमें इस ऑब्जेक्टिव को रोकने से, अचीव करने से रोकना चाहते हैं। अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को पकड़कर, इसको लीनियर इक्वेशन के सेट में कन्वर्ट कर दूंगा, देन आई विल से दैट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वो होती है जिस प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिस प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट इक्वेशंस सारे के सारे क्या होने चाहिए, लीनियर होने चाहिए। अगर सारे के सारे इक्वेशन लीनियर हो गए, देन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम विल बी कॉल्ड एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सुनते चलिएगा दोस्तों। अरे यार, ये साला सॉफ्टवेयर में बड़ा दिक्कत कर रहा है। तो आगे बढ़ता हूं, मेरे को ये पता चल गया कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है। मुझे ये पता चल गया कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का दो हिस्सा होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा होता है कंस्ट्रेंट। दोनों के दोनों इक्वेशंस अगर लीनियर होंगे, देन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम विल बी कॉल्ड एज अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब बोलता है कि अगर आपके पास एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन चाहिए कि भैया कितना एक्स वाकई में बनाऊं, कितना वाई वाकई में बनाऊं, एग्जैक्टली कितना एक्स बनाऊं कितना वाई बनाऊं ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दो स्टेज है, दो चरण है। पहला चरण है फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी, फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? फॉर्मुलेशन का मतलब होता है कि मैंने आपको जो भी सिचुएशन दी थी, मैंने कहा था कि x y बनाने के लिए रॉ मटेरियल a b की रिक्वायरमेंट है, x बनाने के लिए एक a एक b, y बनाने के लिए दो a दो b चाहिए। एक x बना के 50 रुपए का प्रॉफिट है, एक y बना के मान लो 80 रुपए का प्रॉफिट है।
एक काम करता हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग कर देता हूँ। लो, 2A 1B चाहिए। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखूं, मुझे पता है कि यहां पे मेरे को दो चीजें चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन चाहिए, एक मेरे को कंस्ट्रेंट चाहिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिखूंगा कि सपोज आई वांट टू मेक प्रॉफिट, प्रॉफिट मेरा ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो आई विल राइट कि एक एक्स पे 50 रुपए का प्रॉफिट है, तो लेट से 50 x, एक वाई पे 80 रुपए का प्रॉफिट है, तो लेट से 80 y। अब यहां पे एक्स वाई क्या हो गया, एक्स वाई हो गया कि मैं कितना एक्स और कितना वाई प्रोड्यूस करता हूं, क्वांटिटी ऑफ एक्स एंड वाई। मेरे को पता चल जाए कि 10 क्वांटिटी बनाना है एक्स का, 50 × 10 करके 500 रुपए का प्रॉफिट कमा लूंगा। तो बेसिकली व्हाट आई हैव रिटन हियर इज माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये मेरा बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दोस्तों सुनते चलिएगा मेरी बात को बड़े ध्यान से, आपको आगे चल के बहुत काम आने वाली है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, गेट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, भले ही बोरिंग है मैं जानता हूं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन वो था जो भैया मेरा था क्वेश्चन में, प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज माय प्रॉफिट। मैक्सिमाइज माय प्रॉफिट की इक्वेशन मैंने लिख दी 50x + 80y, दोनों के दोनों वेरिएबल की डिग्री 1, लीनियर इक्वेशन बना दी है। सिमिलरली यहां पर जो कंस्ट्रेंट है, यहां पर जो कंस्ट्रेंट है कि इतना ए अवेलेबल है, इतना बी अवेलेबल है, एक्स बनाने के लिए इतना ए इतना बी चाहिए, वाई बनाने के लिए इतना ए इतना बी चाहिए, इसको भी यूज करके अगर मैं ऐसा ही सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन बना दूंगा, तो बेसिकली मैंने किया क्या, मैंने किया ये कि मैंने एक प्रॉब्लम को रीड किया, मैंने एक प्रॉब्लम को पढ़ा, और पढ़ने के बाद उस प्रॉब्लम का अगर लीनियर इक्वेशन में तब्दीली कर दिया तो उसे कहते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ LPPP, यानी कि किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेज है कि उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस में उसका कन्वर्जन कर दो। एक बार आपको मैथमेटिकल लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा तभी तो जाके उसको सॉल्व कर पाओगे और सोल्यूशन निकाल पाओगे मेरे भाई। So the first part in solving the LPP is to formulate the LPP. Formulation का मतलब होता है जो objective function है, जो constraint equations है, उनका एक set of linear equations बना लेना। इसके बाद second चरण होता है solving the LPP. Solving the LPP for optimal solution. अरे भैया एक बार इन problems को formulate कर दिया, problems के equation मिल गए, उन equation को solve करना मेरा second objective है, second aim है, सुनते चलिएगा, क्योंकि जब तक मैं solve नहीं करूंगा तब तक मेरे को x और y का कितना कितना quantity बनाना है ये नहीं पता चलेगा, और जब तक वो नहीं पता चलेगा मैं profit maximize नहीं कर पाऊंगा। तो अभी तक हम लोगों ने कुछ बहुत बेसिक बातें समझ ली हैं, ऐसा प्रॉब्लम जिसमें सारी के सारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रेंट्स लीनियर होते हैं उसको अपन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कहते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दो स्टेज है, पहला होता है फॉर्मुलेशन इक्वेशंस में कन्वर्जन, दूसरा होता है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है सॉल्विंग द एलपीपी वाला पार्ट है, इस पार्ट को अचीव करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। नंबर वन, देयर इज अ ग्राफिकल मेथड ग्राफ के हेल्प से, और नंबर टू, देयर इज अ एल्गोरिथम, वेरी पॉपुलर एल्गोरिथम कॉल्ड एज सिंप्लेक्स एल्गोरिथम। लेट मी स्टार मार्क दिस, यही है पूरे चैप्टर की कहानी, इसी को बस पढ़ना है समझ लो। ग्राफिकल मेथड तो हार्डली 1 घंटे का नहीं है, आज की क्लास में ही निपटा के खत्म कर दूंगा। दिस इज द मेन पार्ट, सिंप्लेक्स एल्गोरिथम। बेसिकली ये जो है ये दो मेथड्स हैं, जिन दो मेथड्स के हेल्प से आप किसी एलपीपी को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल ये पूछोगे कि सर दो मेथड क्यों करा रहे हो, एक ही करा दो काम चल जाएगा। मेरे भैया एग्जाम में दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेसिफिकली, ऐसा नहीं कि सिंप्लेक्स पढ़ा दूंगा तो ग्राफिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे और ग्राफिकल के आ गए तो आप बना डालोगे, ऐसा नहीं कर सकते, आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा।
आज कुछ बोल नहीं रहे हो यार। यस सर, यस सर। ज्यादा आंसर तो दोनों से सेम ही आते होंगे ना। देखो बात आंसर की नहीं होती है। मान लो कि मैंने आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे दिया जहां पर मैंने आपको ग्राफिकल मेथड के अंदर में ग्राफ से कुछ चीजें पूछ दी, आंसर ऐसा पूछा है, क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि जो उस ग्राफ के अंदर से ग्राफ को समझता होगा उस ग्राफ से ही वो उन चीजों को एलिमिनेट करके निकाल पाएगा। यस सर। एक्स वाई पूछा ही नहीं मैंने, सिंप्लेक्स का एक टेबल दे दिया, उस टेबल में से कोई एक ऐसी चीज पूछ दी जो भैया सॉल्यूशन नहीं है, जो बेसिकली एक्स वाई की वैल्यू नहीं है लेकिन बस उस टेबल के अंदर का कुछ नहीं इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो वो सारे क्वेश्चंस को आप आंसर कर पाओ इसके लिए अपने को दोनों मेथड पढ़ना पड़ेगा। जब मैं पढ़ाऊंगा क्लास जैसे जैसे प्रोसीड करेगी आपको चीजें समझ में आएगी कि हाँ भैया क्यों अपन इसको पढ़ रहे हैं, क्या कारण है इसको पढ़ने का। ठीक है, चलिए जल्दी से एक तो क्वेश्चन लिखिए, जल्दी से एक तो क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन। अ कंपनी प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स, अ कंपनी प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई, अ कंपनी प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई कॉमा it earns a profit of 3 rupees, it earns a profit of 3 rupees on 1 unit of x, on 1 unit of x, and 4 rupees on 1 unit of y, 4 rupees on 1 unit of y, full stop. X requires 1 unit of raw material A, X requires 1 unit of raw material A, and 1 unit of raw material B, and 1 unit of raw material B, X requires 1 unit of raw material A and 1 unit of raw material B, full stop. 1 unit of Y requires 1 unit of Y requires 1 unit of Y requires 1 unit of A and 2 units of B, 1 unit of A and 2 units of B, full stop. If availability of raw material A and B, if availability of raw material A and B are limited, if availability of raw material A and B are limited to 450, 450, 450, 450, and 600 units per day, and 600 units per day, determine the maximum profit of the company, determine the maximum profit of the company, determine the maximum profit of the company
पर डे डिटरमाइन द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द कंपनी पर डे. नोट हो गया सभी का? यस सर. चलिए जल्दी से ध्यान से देखिए, फटाफट इसको निपटाते हैं. कहता है कि एक कंपनी है, वो दो प्रोडक्ट बनाती है एक्स और वाई, और एक्स वाई बनाने के लिए कंपनी को दो रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं ए बी. कंपनी को एक एक्स बनाने के लिए एक ए चाहिए एक बी चाहिए, और कंपनी को एक वाई बनाने के लिए एक ए और दो बी चाहिए. इसके अलावा दिया हुआ है कि कंपनी अगर एक एक्स बनाकर बेचती है तो उसको ₹3 का प्रॉफिट है, एक वाई बना के बेचने पर ₹4 का प्रॉफिट है. साथ में ये भी दिया हुआ है कि जो रॉ मटेरियल ए और बी है उसकी अवेलेबिलिटी कुछ इस प्रकार से है कि रॉ मटेरियल ए पर डे 450 से ज्यादा यूनिट्स में अवेलेबल नहीं है, और रॉ मटेरियल बी जो है उसकी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी पर डे 600 यूनिट. एक्स वाई बनाने के लिए एक ए एक बी दो ए दो बी चाहिए, रॉ मटेरियल ए बी 450-600 इतनी क्वांटिटी में ही अवेलेबल है हर दिन, और एक्स से ₹3 का प्रॉफिट है, वाई से ₹4 का प्रॉफिट है. आपसे पूछा है कि डिटरमाइन द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द कंपनी पर डे. जो गोल जो ऑब्जेक्टिव है आपका वो आपको निकालने बोल दिया है कि भैया आप मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट बता दीजिए कितना होगा. अगर आप प्रॉफिट की इक्वेशन लिखते हैं, लेट से प्रॉफिट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, देन दैट इक्वेशन विल बिकम 3x प्लस 4y, और x और y यहां पे क्या होगा, x और y का मतलब है कि नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट x एंड प्रोडक्ट y. एक x पे ₹3 का प्रॉफिट, तो 3 × x का मतलब है कि जितना x बनाऊंगा उतने से मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो उतना रुपए प्रॉफिट. तो अगर मैं ये निकाल पाया कि कितना x कितना y बनाना है, इन रुकावटों के बावजूद इस कंस्ट्रेंट्स के बावजूद मेरे को कितना एक्स और कितना वाई बनाना है, अगर मैं ये निकाल पाया तो मैं इस इक्वेशन में पुट करके अपना मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल दूंगा. तो दिस इक्वेशन इज नथिंग बट माय ऑब्जेक्टिव फंक्शन. थोड़ा सा स्पीड अप करके चलाता हूँ क्लास को, थोड़ा सा कवर करना है, ठीक है ना. दिस इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. किसी को कहीं पर भी डाउट होगा तो मेरे को रोक देगा क्लास में, बोल देगा सर रुकिए जल्दी से ये दोबारा बताइए, ठीक है. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है कंस्ट्रेंट्स लिखना, कंस्ट्रेंट्स की लीनियर इक्वेशन लिखना. क्योंकि याद रखना एलपीपी का फर्स्ट पार्ट है फॉर्मुलेशन, पहले पढ़ो प्रॉब्लम और उसको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दो. तो मैंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लीनियर इक्वेशन में ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया, अब इन कंस्ट्रेंट्स को करूंगा. कैसे कर रहा हूं जरा देखना. मेरे को बोला है कि रॉ मटेरियल ए जो है मेरे भाई, रॉ मटेरियल ए ध्यान से देखो, ये जो मैंने अंडा गोला बनाया है, रॉ मटेरियल ए का मैक्सिमम अवेलेबिलिटी 450 है, और एक एक्स बनाने के लिए एक ए चाहिए, एक वाई बनाने के लिए भी एक ए चाहिए. मैं लिख रहा हूं एक्स प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 450. समझ में आया क्या इक्वेशन? एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 450. वेरी गुड. यस सर. यस सर. वेरी गुड. अरे मैं कितना भी एक्स बनाऊं कितना भी वाई बनाऊं, टोटल एक्स प्लस वाई जितना भी बनाऊंगा वो मैं एक एक ए लेके बनाऊंगा. यानी कि अगर मैंने 10x बनाया तो मेरे को 10 ए चाहिए, मैंने 10y बनाया तो मेरे को 10 ए चाहिए. तो टोटल मैं जितना भी ए इस्तेमाल करूंगा x प्लस वाई बनाऊंगा वो 450 से ज्यादा तो नहीं हो सकता ना. समझ ना मेरी बात को, क्या वो 450 से ज्यादा हो सकता है क्या? नो सर. इसको समझ में नहीं आया जल्दी से पूछ लो, ऐसा नहीं कि किसी और ने हाँ बोल दिया तो हमको भी हाँ बोलना है. पूछो भैया, पूछो 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 जॉन, पूछे चाहत हो. चलिए मान के चलता हूं क्लियर है, ठीक है. मेरे को बताओ कि यार मैं यहां पे लेस देन 450 क्यों लिख रहा हूं? अगर मैं मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहता हूं तब तो मैं जितना रॉ मटेरियल ये है 450 का 450 पूरे का इस्तेमाल करूंगा. मैं ऐसा क्यों बोलूंगा कि मैं 450 से कम भी इस्तेमाल कर सकता हूं, लेस देन 450. बोलो 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 बोलो. सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो मेरी बात ध्यान से, सुनो. मैं काम करता हूं, पहले इसका भी इक्वेशन लिख लेता हूं.
बी का, मेरे को एक एक्स बनाने के लिए एक बी चाहिए, वन इंटू एक्स, लेकिन मेरे को एक वाई बनाने के लिए कितना बी चाहिए भाई, दो बी, तो आई एम राइटिंग एक्स प्लस टू वाई। अगर पांच वाई बनाऊंगा तो टू इंटू पांच टोटल दस बी यूज कर लूंगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? और क्योंकि b का मैक्सिमम अवेलेबिलिटी 600 है तो x प्लस टू वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 600। एक और कंस्ट्रेंट है, एक और कंस्ट्रेंट है, जरा ध्यान से देखो, तुमको यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में मिलेगा नहीं, बट कंस्ट्रेंट एक और है, x कॉमा y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। होगा कि नहीं होगा? अबे या तो x बनाओगे या तो y बनाओगे या तो नहीं बनाओगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि x y नेगेटिव हो जाए। अबे रियल एंटिटीज हैं, प्रोडक्ट हैं, नेगेटिव हो सकते हैं क्या? नहीं। मतलब कहने का है कि भैया अगर x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल दूंगा, एक और कंस्ट्रेंट हो गई, तो इसका मतलब है ना कि मेरी जितनी सारी की सारी वैल्यूज हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट। सभी को समझ में आ रहा है? अबे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो यार, फिर से बताऊं क्या? अरे आ गया सर, समझ आ गया। सुनते चलो, मेरे सवाल का जवाब अब आप लोग देंगे कि यहाँ पर क्योंकि मैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता हूँ, मैं तो रॉ मटेरियल का एक एक कतरा निचोड़ना चाहूंगा, जितना ए है सबका इस्तेमाल करना चाहूंगा, जितना बी है पूरे का इस्तेमाल करना चाहूंगा, तब मैं यहाँ पे लेस देन क्यों लिख रहा हूँ? लेस देन क्यों लिख रहा हूँ कि भैया मैं पूरे का इस्तेमाल नहीं भी करूंगा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं? कौन बताए? सर क्योंकि हमारे यहाँ पर दो वेरिएबल है x और y, तो सर हमें एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए सर, तो मतलब x की कुछ होंगी y की कुछ होंगी, मतलब जरूरी नहीं है कि x और y 450 600 ही हो। अरे मैं कह रहा हूँ कि x की कुछ होंगी y की कुछ होंगी, अगर तेरे पास रॉ मटेरियल है, तो तू उसका इस्तेमाल करके और एक्स वाई बना के और प्रॉफिट कमा सकता है ना, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है तो मैं तो पूरा ए पूरा बी यूज करूंगा। मैं कह रहा हूं मैं ए और बी को ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि कम भी रख सकता हूं, कुछ ए भी नहीं भी यूज कर सकता। एक्स और वाई सर, एक्स और वाई में अलग अलग उनको क्वांटिटी चाहिए। अगर मान लो अगर वाई बना रहे हैं, एक्स बच सकता है, बच गया एक्स, एक्स बना रहे हैं तो भाई बी का एक्स कैसे बचाओगे भाई? एक्स बनाओगे तो एक्स को बेचोगे सर? सुनो ए और बी और एक्स बच जाए सर। हाँ सर, हमने इन्वेंटरी में पढ़ के आए सर, एक मैक्सिमम क्वांटिटी जो इन्वेंटरी है वो मैक्सिमाइज करती है हमारा प्रॉफिट सर। अरे यार सुनो, इतना ज्यादा कहाँ दिमाग चला लेते हो? सुनो देखो, बड़ा सिंपल सवाल है। मान लो कि मेरा आंसर आ गया कि मेरे को y का 500 यूनिट, 500 नहीं, चलो आप ही लोग इसको आंसर करोगे। सुनो देखो, मेरे को दिख रहा है कि एक y पे 4 रुपए का प्रॉफिट है, एक x पे 3 रुपए का प्रॉफिट है। सिंपल ऑब्जर्वेशन थ्रू आईज, एक y पे 4 रुपए का प्रॉफिट है, x पे 3 रुपए का प्रॉफिट है, तो मेरे को y ज्यादा प्रॉफिटेबल लग रहा है। मान लो कि मैंने डिसाइड कर लिया कि x बनाऊंगा ही नहीं, मैं तो पूरा y बनाऊंगा। मान लो कि मैंने ऐसा डिसाइड कर लिया कि मैं x बनाऊंगा ही नहीं, मैं तो पूरा का पूरा y बनाऊंगा। तो मेरे को ये बताओ, रॉ मटेरियल a और b को देखते हुए, y बनाने के लिए मेरे को a तो एक चाहिए, पर b कितना चाहिए? दो चाहिए। दो। अगर मैं बोलूंगा कि सिर्फ ए देखो, सिर्फ ए देखो, 450 है और एक ए से एक वाई बनेगा, मैं आपसे पूछूंगा आप मैक्सिमम ए के बेसिस पे कितना वाई बना सकते हो, तो योर आंसर विल बी 450। बोलो यार। यस सर, 450।
अगर मैं बोलूंगा कि सिर्फ बी देखो आपको दो बी चाहिए एक वाई बनाने के लिए, तो मैक्सिमम ये 600 बी है, 600 बी की मैक्सिमम पूरी की पूरी अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए मैक्सिमम कितना वाई बना सकते हो? 300. तो अगर मैं इन दोनों को कंसिडर करूंगा, क्योंकि याद रखो मेरे को तो वाई बनाने के लिए ए भी चाहिए और क्या चाहिए, बी भी, तो अगर मैं सारा का सारा बी यूज करके 300 ही वाई बना सकता हूं, तो क्या 450 वाई बना पाऊंगा क्या? नो सर. और अगर 450 वाई नहीं बना पाऊंगा, मैक्सिमम मैं 300 ही वाई बना सकता हूं, तो 300 वाई में बी तो 600 यूज कर लूंगा, ए कितना यूज करूंगा मेरे भाई? 300 सर. और 300 ए यूज करने का मतलब है कि मेरे पास कितना ए बच गया? 150. इस 150 ए का कुछ कर सकता हूं क्या? अबे जब तक मेरे पास बी नहीं है, जब तक मेरे पास ए के साथ बी नहीं है, बी तो पूरा खा गया 600 का 600, 150 ए बच गया क्योंकि पूरा का पूरा वाई बना दिया था, तो जब तक मेरे पास अब बी और नहीं है, मैं ए बी को मिला के ना एक्स बना सकता हूँ ना वाई, ना 3 रुपए प्रॉफिट कमा सकता हूँ, ना 4 रुपए प्रॉफिट कमा सकता हूँ, मैं तो फंस गया. Yes, sir. समझ रहे हो ना मेरी बात को? मतलब क्या है, था मेरे पास 450 ए, लेकिन मैं उसमें से यूज कितना कर पाया? 300, 150 रह गया. That's why my friends I have written less than equal to 450. There can be an incident जहां पर कुछ रॉ मटेरियल आपका रिमेनिंग रह जाए. जरूरी नहीं है कि सारे के सारे रॉ मटेरियल का सारा अवेलेबल माल यूज करके पूरा का पूरा यूज कर पाऊं मैं. हो सकता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट मेरे को इस तरीके से प्राप्त हो जहां पे कुछ रॉ मटेरियल मेरा बच ही जाए, हो सकता है. और ये भी हो सकता है, इक्वल टू रखा है भैया, इक्वल टू भी रखा है, ये भी हो सकता है कि सारा का सारा ए यूज हो जाए, सारा का सारा बी यूज हो जाए. मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? बोलो हाँ या ना. यस सर. मतलब सर हमें ए और बी दोनों को देखते हुए चलना है, अवेलेबिलिटी दोनों की देखते हुए चलनी है. देखो हो सकता है दूसरा बच जाए और एक खत्म हो जाए पूरा. हाँ, बिल्कुल. बस यही है ना. बेसिकली क्या है, मैं जब आपको सॉल्यूशन करना सिखाऊंगा ना, ग्राफिकल मेथड या सिंप्लेक्स, तो ये सब चीजें उसमें फिर कवर होंगी, लेकिन अभी मैं आपको उस इक्वेशन को समझना सिखा रहा हूँ. अभी हमने इक्वेशन लिख तो लिया, बट 9 of 10 लोगों को ना उस इक्वेशन को ही इंटरप्रेट करना नहीं आता है. मैंने आप लोगों से एकदम बेसिक सवाल पूछा ना कि मैं क्यों लेस देन लिख रहा हूं. Yes, है ना. बट वी गॉट द आंसर नाउ कि व्हाई वी आर राइटिंग लेस देन. ठीक है, सुनते चलो. अब हम लोगों को इक्वेशन लिखना आ गया है. हमको पता है इक्वेशन दो चरण में लिखना है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखना है, एक कंस्ट्रेंट लिखना है, सारे के सारे लीनियर होने चाहिए. और ये वाली जो कंस्ट्रेंट है एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो हमने अपने कॉमन सेंस से लिखा है कि भैया या तो प्रोडक्ट बनाऊंगा या तो नहीं बनाऊंगा, माइनस तो नहीं हो पाएगा. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिमिट कर देने से फायदा ये है कि बहुत कम वैल्यूज को ही आपको चेक करना पड़ेगा, माइनस माइनस वैल्यू को आपको एंटरटेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. ठीक है ना. तो सुनो, इसके बाद ना अभी हम लोग ना कुछ टेक्निकल टर्म्स पढ़ते हैं या जनरल टर्म्स. ठीक है. देखो जनरल टर्म्स क्या होता है, जैसे ब्रेक इवन एनालिसिस बोला मैंने, ब्रेक इवन एनालिसिस एक टर्म था, लेकिन अब हम लोग समझ चुके हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब क्या होता है. मैं जब भी बोलूंगा ब्रेक इवन एनालिसिस कर दो, तो आप है ऐसा नहीं बोलेंगे, आपको पता है आपको क्या करना रहेगा. तो वैसे ही ना एलपीपी में कुछ जनरल टर्म्स हैं, मैं बार बार कुछ वर्ड्स का कुछ शब्दों का इस्तेमाल करूंगा कि भैया क्या होता है फिजिबल सॉल्यूशन, क्या होता है नॉन फिजिबल, क्या होता है ऑप्टिमल, क्या होता है फिजिबल रीजन, इन सब शब्दों का इस्तेमाल करूंगा. ठीक है ना. तो जल्दी से पहले इनका डेफिनेशन लिख लो, इनको अपन समझ लेते हैं, ताकि जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो अपने को धड़ाधड़ चीजें समझ में आ सके. तो सबसे पहले लिखिए नंबर 1 फिजिबल सॉल्यूशन. जनरल टर्म्स में सबसे पहले लिखिएगा, जनरल टर्म्स में सबसे पहले लिखिएगा फीजिबल सॉल्यूशन. लिखिए फीजिबल सॉल्यूशन में लिखिए
एनी वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल, एनी वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल, एनी वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल विच सैटिस्फाइज, एनी वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स which satisfies all the constraints, which satisfies all the constraints, is a feasible solution, is a feasible solution. एग्जाम्पल में एक लाइन की जगह छोड़ दीजिए, एग्जाम्पल लिख के एक लाइन की जगह छोड़ दीजिए, एग्जाम्पल के थ्रू ही डिस्कस करेंगे. दूसरा लिखिएगा इनफीजिबल सॉल्यूशन, इनफीजिबल सॉल्यूशन. इनफीजिबल सॉल्यूशन इफ द वैल्यू ऑफ अ डिसीजन वेरिएबल, इफ द वैल्यू ऑफ डिसीजन वेरिएबल fails to satisfy any one of the constraints fails to satisfy any one of the constraints, then it is an infeasible solution. Then it is an infeasible solution. Example के लिए जगह छोड़ देंगे एक लाइन की. Next लिखिएगा optimal solution. Optimal solution. Optimal solution लिखेंगे. If a feasible solution for which the value of objective function, if a feasible solution for which the value of objective function decides the maximum or minimum as given in the problem, then that is an optimal solution. उसी के नीचे नोट करके लिखेंगे, NOTE, नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखना ऑप्टिमल सॉल्यूशन के अंदर. ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम is always obtained at the vertex of the feasible region. Is always obtained at the vertex of the feasible region. Is always obtained at the vertex of the feasible region. चलिए
जल्दी जल्दी समझते हैं। सबसे पहला टर्म है फिजिबल सॉल्यूशन। क्या होता है फिजिबल सॉल्यूशन? आम भाषा में बोलूं तो पॉसिबल सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो पॉसिबल हो। ठीक है, देखिएगा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैंने लिखा है x plus y less than equal to 450, x plus y less than equal to 450, ये मेरी कंस्ट्रेंट है। सिमिलरली ये भी मेरी कंस्ट्रेंट है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। जितना x और y पुट करूंगा उतना रुपया प्रॉफिट कमा लूंगा। मान लो मैं कहता हूं कि x बराबर 400, y बराबर 100, x बराबर 400, y बराबर 100, सुनते चलिएगा मेरी बात को। तो मैं यहां पर x को 400 रख दूंगा, y को 100 रख दूंगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। मेरे को ये बताओ क्या x बराबर 400 और y बराबर 100 ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन है क्या? नो सर। अबे यहां पे x को 400 रख दिया, y को 100 रख दिया, टोटल 500 हो गया। मेरे को ध्यान में रखना है कि x plus y 450 से ज्यादा नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। मान लो मैं रखता हूं x 100, y 350, बताओ क्या ये पॉसिबल सॉल्यूशन है? नो सर। क्यों भैया? सेकंड कंस्ट्रेंट नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। अबे अगर कोई एक भी कंस्ट्रेंट वायलेट हो गया, कोई एक भी कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करने से अगर आपका सॉल्यूशन फेल कर गया, तो मेरे भैया वो सॉल्यूशन जो है पॉसिबल नहीं होगा, नहीं है। तो ऐसा सॉल्यूशन जो पॉसिबल है उसको बोलेंगे फिजिबल, जो कि सारी की सारी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर देगा। और ऐसा सॉल्यूशन जो किसी एक भी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करने में फेल हो गया, उसको बोलेंगे कैसा? इनफिजिबल। कैसा? इनफिजिबल सॉल्यूशन। अगर मैं लिखता हूं x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर 0, क्या ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन है? यस सर। अबे 0 0 450 से कम, 0 0 600 से कम, 0 0 इसको भी सेटिस्फाई कर दिया, बिल्कुल एक फिजिबल सॉल्यूशन है। मैं लिखता हूं x बराबर 100, y बराबर 300, क्या ये एक फिजिबल सॉल्यूशन है? नो सर। अरे ये वाला इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट इसको सेटिस्फाई करने में नाकामयाब हो रहा है। दिस इज द केस ऑफ एन इनफिजिबल सॉल्यूशन। एग्जांपल जो मैंने आपको बोला था एक लाइन छोड़ के, उसमें आप चाहो तो ये वाली वैल्यूज को लिख सकते हो। व्हाट इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन? सुनो, अबे x equal to 0, y equal to 0 फिजिबल तो है, पॉसिबल तो है, लेकिन मेरे को अगर प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है और एक भी x नहीं बनाया, एक भी y नहीं बनाया, तो प्रॉफिट तो जीरो हो गया। क्या मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ क्या? क्या मेरा जो गोल था वो मेरे को प्राप्त हुआ क्या इस फिजिबल सॉल्यूशन से? नो सर। तो मेरे भाई ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो फिजिबल सॉल्यूशन होता है। याद रखो ऑप्टिमल सॉल्यूशन फिजिबल होना जरूरी है। जब तक पॉसिबल ही नहीं है सॉल्यूशन तो कहे का ऑप्टिमल। ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो फिजिबल सॉल्यूशन है जो आपका ऑब्जेक्टिव को अचीव करके दे देता है। चाहे मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना हो, चाहे मेरे को अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना हो, व्हाटएवर मे बी द ऑब्जेक्टिव, फिजिबल सॉल्यूशन वो वाला जो मेरे प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव अचीव करके दे देगा, उसी को मैं कहूंगा क्या? ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो सुनो, ये जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, इसी को अपने निकालने की जद्दोजहद रहेगी। इसी को निकालने के लिए दो मेथड है, एक है ग्राफिकल मेथड और एक है सिंप्लेक्स एल्गोरिथम। तो पहले ग्राफिकल मेथड स्टार्ट कर रहा हूं, उसके बाद आऊंगा सिंप्लेक्स एल्गोरिथम पे। ठीक है, तो सुनो मेरी बात जल्दी से देखो। यही वाला जो क्वेश्चन है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा, उसी की इक्वेशन को यहाँ पे फिर से लिख देता हूं कि मेरे को प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है और मैक्सिमम प्रॉफिट की इक्वेशन है 3x plus 4y। कंस्ट्रेंट की इक्वेशन है मेरे पास, कंस्ट्रेंट की जगह ऐसे भी लिख सकते हैं कि सब्जेक्टेड टू, दिस प्रॉफिट इज सब्जेक्टेड टू, दिस प्रॉफिट इज बीइंग कंस्ट्रेंट बाय, ठीक है, x plus y less than equal to 450,
x plus 2y less than equal to 600, x comma y both should be greater than equal to 0. ठीक है, आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है. ये ले लिया मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट. पहले क्वाड्रेंट में ही रहूंगा. क्यों पहले क्वाड्रेंट में रहूंगा, ये आपको पता है, बिकॉज मैंने ये वाली कंस्ट्रेंट यहां पे खींच दी है. ठीक है, पहली बार जो ये तीसरी वाली कंस्ट्रेंट है इसको यहां पे ड्रॉ कर दिया. फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 या 0 से ज्यादा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 या 0 से ज्यादा. समझ गए ना, क्लियर है सभी को, माइनस वैल्यूज को एंटरटेन नहीं कर रहा. अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके मेरे जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं पहले इन सबको प्लॉट करूंगा. इसको प्लॉट कर लिया, डबल टिक कर रहा हूं, इसको प्लॉट कर लिया, इनको प्लॉट्स करूंगा. ठीक है, तो मैं सबसे पहले मान लो इसको खींचता हूं, x प्लस वाई 450. क्या करो इसको खींचने के लिए, पहले ना ये ग्रेटर देन साइन भूल जाओ. मान लो कि सिर्फ ये एक इक्वेशन है, x प्लस वाई बराबर 450 एक इक्वेशन है. तो इस इक्वेशन में अगर मैंने y को 0 रखा तो x 450, तो मान लो कि यहां पर आ गया कहीं पर, मैंने लाल से मार्क करता हूं आपको भी अच्छा लगेगा. x 450, y 0. सिमिलरली अगर मैंने x को 0 पुट किया तो y 450. x को 0 पुट किया तो y 450. इसको मिला देता हूं, ये तो ये बन गया भैया मेरा इस वाले इक्वेशन का, मेरी ये वाली इक्वेशन जो है ये मैंने यहां पे खींच ली है. बट ध्यान देना कि ये इक्वेशन नहीं है, इसमें लेस देन इक्वल टू का भी साइन है. तो अगर लेस देन इक्वल टू का साइन है तो क्या करूंगा, लेस देन इक्वल टू का साइन है तो क्या करूंगा, मैं ये कहूंगा कि भैया ये जो मैंने पूरा का पूरा ट्रायंगल यहाँ पे अचीव किया है, लेट मी जस्ट हाईलाइट इट. ये जिसको, अरे यार, ये जो मैंने पूरा का पूरा ये ट्रायंगल मैंने यहाँ पे अचीव किया है, तो इस ट्रायंगल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, 450 ये लिमिट हो गई, 450 से नीचे जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे वो 0 से क्यों ना चालू हो, सुनते चलिएगा मेरी बात को, जितने भी पॉइंट्स हैं इस ट्रायंगल के अंदर और इस ट्रायंगल के ऊपर, ऊपर मतलब ये जो लाइन है, ये लाइंस पे भी जो भी पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो मेरी इस वाली कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेंगे. बोलो हाँ या ना. यस सर. यस सर. क्लियर है क्या सभी को? अबे अगर मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लूं, यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लूं, मान लो ये पॉइंट है 200, 200, मान लो पॉइंट है 200, 200, तो x को 200 पुट करूंगा, y को 200 पुट करूंगा, x को 200 पुट किया, y को 200 पुट किया, ट्रायंगल के बीच का पॉइंट है, इस वाले कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर दिया ना. यस सर. समझ रहे हो ना मेरी बात को? सुनते चलिएगा. चलो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस तरीके से मैं इसको भी ड्रॉ कर दूंगा, इसको भी ड्रॉ कर दूंगा. x प्लस 2y बराबर 600, पहले तो सिंपल लिख लेता हूं, x प्लस 2y बराबर 600. y को 0 पुट किया तो x 600 मिल गया. नीले से बनाता हूं, y को 0 पुट किया तो x 600 मिल गया. लेट मी यूज इरेजर. ऐसे ही बढ़ा देता हूँ. चलो हाँ, तो
तो क्या कह रहा था मैं, वाई को जीरो पुट किया तो एक्स 600, वाई जीरो, और अगर x को जीरो पुट किया तो y 300, x को जीरो पुट किया तो y 300। जल्दी से इसको जोड़ देता हूं, जल्दी से इसको जोड़ देता हूं, ये जोड़ दिया, ठीक है। तो अब समझना मेरी बात को, समझना मेरी बात को, बस ध्यान से सुन लेना। ये जो मैंने नया वाला त्रिभुज बनाया है, ट्रायंगल बनाया है, ये वाला ग्रीन वाला जो मैंने बनाया है यहां से यहां तक, अब ये वाला जो ट्रायंगल है इसके अंदर में कोई भी पॉइंट हो, इस ट्रायंगल के ऊपर पे कोई भी पॉइंट हो, वो मेरी ये वाली कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेगा, बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। अबे सभी को क्लियर हो रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नो सर। लेकिन लेकिन सुनो सुनो, अगर मैं बोलूंगा, अगर मैं बोलूंगा तुम लोगों से कि बेटा मेरे को ये बताओ कि मेरे पास तो दो कंस्ट्रेंट है और मेरे को दोनों को सेटिस्फाई कराना है, तो देखो एक का तो ये लाल ट्रायंगल मिल रहा है, एक का हरा ट्रायंगल मिल रहा है, अगर मैं इन दोनों का कॉमन देखूंगा, इन दोनों का कॉमन एरिया देखूंगा, तो जो मैं ये पीला 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 यहाँ पे शेड कर रहा हूं, सुनते चलना सुनते चलना सुनते चलना, एक सेकंड के लिए पानी पी लूं बस मैं। चलिए तो देखो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर जो ये पीला पीला यहाँ पर मैंने इस एरिया को शेड किया है, ये बेसिकली जो मिला है मेरे को, ये मेरे को मैं बोल रहा हूँ कि दोनों ट्रायंगल में से कॉमन एरिया मिला है, और ये जो कॉमन एरिया है, इस कॉमन एरिया के जितने भी पॉइंट्स हैं, चाहे वो इस कॉमन एरिया के अंदर हो चाहे कॉमन एरिया के ऊपर हो, मैं कह रहा हूं कि ये सारे के सारे पॉइंट्स दोनों ट्रायंगल से कॉमन निकले हैं, और दोनों ट्रायंगल से कॉमन निकलने का मतलब है कि ये दोनों के दोनों कंस्ट्रेंट्स को क्या करेंगे मेरे भाई, सेटिस्फाई। समझ में आ रहा है सभी को? हेलो 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 हेलो। Yes, sir, आ रहा है। ये जो कॉमन एरिया है जो मैंने ओ ए बी सी से मार्क किया है, इस कॉमन एरिया को ही अपन कहते हैं फिजिबल रीजन, इस कॉमन एरिया को अपन कहते हैं फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन का मतलब ये होता है कि ये वो रीजन है ओ ए बी सी वो रीजन है जिस रीजन के सारे पॉइंट्स कैसे सॉल्यूशन हैं। फिजिबल रीजन के सारे पॉइंट्स कैसे सॉल्यूशन होंगे यार? फिजिबल सॉल्यूशन होंगे। क्या हो गया भाई, बाकी लोगों को आज पढ़ने का मन नहीं है क्या? क्या भाई अभिषेक है सर? क्या रोहित? रोहित तो लग रहा है कहीं पे अपना बंद करके चला गया स्क्रीन भी। क्या शिवम? हेलो। यस सर। यस सर। चलिए सुनिए। अब देखो आपको मैंने थोड़े देर पहले नोट्स में कॉपी जो आपको मैंने मेंटेन करने कही है उसमें मैंने आपको
एक नोट करके पॉइंट लिखने बोला था, जल्दी से वो नोट वाला पॉइंट पढ़ना तो। यस सर, पढ़ लिया। क्या लिखा है नोट वाले पॉइंट में? सर ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो वर्टेक्स पे लाई करेगा फिजिबल रीजन से। द ऑप्टिमल सॉल्यूशन विल ऑलवेज लाई ऑन द वर्टेक्स ऑफ द फिजिबल रीजन। अबे इसका मतलब क्या है, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये तुमको मिला है फिजिबल रीजन, दिस इज योर फिजिबल रीजन। अब बोलता है कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन खोजने निकले हो, ऑब्जेक्टिव तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन खोजना है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो बोलता है मैक्सिमम प्रॉफिट जो मिलेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट जो मिलेगा भैया, वो तुमको इस फिजिबल रीजन के कोंटे पे, वर्टेक्स पॉइंट पे, ओ ए बी से जिसको मैंने नीला नीला कर दिया है, इन चारों में से ही किसी एक पॉइंट पे मिलेगा। सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वाई, क्यों मेरे को ऑप्टिमल सॉल्यूशन वर्टेक्स रीजन के, फिजिबल रीजन के वर्टेक्स पॉइंट पे मिलेगा, क्यों? सुनो। अबे अगर मैं इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखता हूं, मुझे बताओ कि मिनिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, बोलो जल्दी से बोलो। जीरो। जीरो। अबे एक भी एक्स नहीं बनाऊंगा, एक भी वाई नहीं बनाऊंगा, मिनिमम प्रॉफिट इज जीरो। अगर मैं 3x + 4y = 0 को प्लॉट करूं, अगर मैं 3x + 4y = 0 को प्लॉट करूं, तो ये कुछ थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, बट ऐसा ही जाएगा। दिस इज बेसिकली 3x + 4y = 0। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। अब सुनना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को, मेरी बात को बस इमेजिन करना, मेरी बात को बस इमेजिन करना। लेट मी जस्ट, अरे यार थोड़ा सा रुक जाओ यार, अच्छे से ड्रॉ कर ले तब तुम लोगों को समझा पाऊंगा। लो मान लो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है जिसको मैं हिला रहा हूं, ये लाइन है आपकी 3x + 4y = 0, ओरिजिन से पास हो रही है। जैसे जैसे मैं इस लाइन को फिजिबल रीजन के अंदर ले जाता हूं, मान लो कहीं यहां पे ले जाके रख दिया, तो भैया इस लाइन पे अब x और y का कुछ कुछ वैल्यू आ गया। अबे आया कि नहीं आया? Yes, अगर x और y का कुछ कुछ वैल्यू आ गया, मतलब यहां पे x रखूंगा y रखूंगा, तो प्रॉफिट बढ़ने लगा ना। Yes, sir. मैं इस लाइन को क्या यहां ले जाके रख सकता हूं क्या? नो सर। मेरे को इस लाइन को फिजिबल रीजन के अंदर ही रखना पड़ेगा। और सुनो फिजिबल रीजन के अंदर अगर रखूंगा, तो इस लाइन को मैक्सिमम यहां पे रख सकता हूं, इसके बाहर नहीं जा सकता, ये मेरी बाउंड्री कंडीशन है। इस लाइन को मैक्सिमम यहां पे रख सकता हूं बी से पास करते हुए, इस लाइन को मैक्सिमम यहां पे रख सकता हूं सी से पास करते हुए, इसके आगे ले जा सकता हूं क्या? नो सर। तो बेसिकली माय फ्रेंड्स दीज ए बी सी ओ आर द वर्टेक्स पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन एंड दे आर ऑल्सो द बाउंड्री पॉइंट्स, कोना कोंटा छोर लिमिट है। अगर आप y एक्सिस पे मूव करते हो, तो इस पॉइंट से ज्यादा तो आप y पे जा ही नहीं सकते, x पे मूव करते हो तो इससे ज्यादा नहीं जा सकते, एक्स वाई प्लेन पे मूव करते हो तो इसके आगे नहीं जा सकते। तो मेरे को कहने का मतलब है कि इस पॉइंट से ज्यादा प्रॉफिट या इस पॉइंट से ज्यादा प्रॉफिट या इस पॉइंट से, ये पॉइंट कितना होगा, कोई मेरे को निकाल के बता देगा क्या, इंटरसेक्शन वाला? ये दोनों लाइन को सॉल्व कर दो ना, जल्दी से बताओ ना कितना आ रहा है। अबे x + y = 450, x + 2y = 600, x को पुट कर दो ना, 450 - y पुट कर दो x को, जल्दी बताओ कितना आ रहा है। सर 300 150। 300, 150, 300, 150, x आ रहा है 300, y आ रहा है 150।
ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि इन तीन पॉइंट से बाहर नहीं जा सकता, यही मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, तो कुछ मत करो, कुछ मत करो, बहुत सिंपल है, जस्ट चेक द प्रॉफिट वैल्यू, जस्ट चेक द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एट ओ, वी नो दैट दिस पॉइंट इज 0.0, 0.0, तो एक्स को भी जीरो पुट किया, वाई को भी जीरो पुट किया, तो मेरा प्रॉफिट आ गया जीरो। लेट्स चेक द वैल्यू एट ए देन, लेट्स चेक द वैल्यू एट ए, 0.200, तो 3 × 0, 0 प्लस 4 × 200, हेलो हेलो सर, बात यस सर, यस सर, सर वो 300 है, सॉरी 300 है, ऐसा लिखा हूं, मेरे को भी लग रहा है कि 200 है, ये आ गया 1200, दिस इज 300, ठीक है, ये मैं लिख देता हूं 0.300 पे, z एट b 300.150, 3 × 300, 900, 4 × 150, 600, 900 और 600, 1500, और लास्ट में चेक करता हूं c पे 450.0, 3 × 450, 1350। तो आउट ऑफ ऑल दीज सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस पे आया बे, बी पे, तो जो चार वर्टेक्स पॉइंट थे, चार वर्टेक्स पॉइंट थे उस पे मैक्सिमम प्रॉफिट निकला बी पे, सुनो दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट, और इस मैक्सिमम प्रॉफिट पे एक्स की वैल्यू 300 है, वाई की 150 है, मतलब मैं एक्स कितना क्वांटिटी बनाऊंगा 300 बनाऊंगा, वाई कितना बनाऊंगा 150 बनाऊंगा, और 300-150 बना के जो प्रॉफिट निकलेगा वो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। कई लोग ये सोच रहे होंगे, अरे सर ने इतना तामझाम किया, सर अगर बस ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर देते मेरे को 300.150 मिल जाता, हमारा आंसर आ जाता। अबे भूल के ऐसी गलती मत करना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आंसर यहाँ पे आ गया, किसी और क्वेश्चन में हो सकता है कि ये सही होता, किसी में होता कि ये सही होता, किसी में होता कि ये सही होता, हाँ हाँ जरूर ये भी सही हो सकता था, अगर मैंने यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट ना पूछ के बोल देता कि 3 रुपए 1x बनाने के बाद नुकसान हो रहा है, या मान लो 3 रुपए 1x के पीछे का मेरा मेकिंग चार्ज है, मेकिंग कॉस्ट है, तो आपको उस मेकिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता मेरे भाइयों, अब यही वाला आंसर आता सही, यही 0.0 सही आता। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो जितना यहाँ पे पूरा आपको मैंने तामझाम करके दिखाया है, ये पूरा तामझाम आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा, ये मत सोचना कि कोई शॉर्ट ट्रिक निकाल दोगे, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक जो निकालेगा ना उसको अभी फंसाऊंगा अगले क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है मेरा बात, जल्दी से बोलो। yes, sir. अगर yes, sir. आपने yeah. लिया है अपनी अपनी कॉपीज में तो बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाता हूँ, अगला क्वेश्चन कराता हूँ, वरना जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। कर लिया sir. कर लिया, सभी ने कर लिया? yes, sir. चलिए क्वेश्चन लिखेंगे सब लोग, आगे क्वेश्चन लिखेंगे। A company produces two types of components. A company produces two types of components, X and Y. A company produces two types of components, X and Y, comma, which requires operation on certain machines. Which requires operation on certain machines, which requires operation on certain machines, full stop. Component X requires 12 minutes on lathe. Component X requires 12 minutes on lathe, 4 minutes on milling, 12 minutes on lathe, comma, 4 minutes on milling, and 2 minutes on the grinding machine.
2 minutes on the grinding machine. Component Y requires 6 minutes on lathe, 10 minutes on milling, and 3 minutes on the grinding machine. 6 minute lathe pe, 10 minute milling pe, 3 minute grinding pe. Full stop. Profit earn on X and Y. Are 40 and 100 rupees respectively. And the maximum availability of lathe, comma, milling and grinding machines. Are 3000 minutes, 2000 minutes, and 900 minutes respectively. Determine the product mix का मतलब कितना x कितना y, ये determine करना है आपको, कितना x कितना y. Determine the product mix for maximum profit. Product mix for maximum profit. चलो फटाक से बनाओ. सिमिलर क्वेश्चन है पिछले वाले जैसा, कॉन्सेप्ट भी आपका रिवाइज हो जाएगा. जल्दी से बनाओ.
किसी का बना क्या? बना रहे हैं। बनाओ बनाओ बनाओ। डन यस सर, हो गया सर। किसका हो गया सर? अभिषेक। कितना आ रहा है अभिषेक? सर 20,040 rupees। 20,040 rupees? यस सर। गलती कर दी है? गलती कुछ तो गलती कर दिया है तू भाई। सर 26,000 आ रहा है प्रॉफिट।
सर 26,000 आंसर है। नहीं यार 26,000 भी गलत है। बनाओ बनाओ बनाओ। हाँ भाई किसी का मैं बना रहा हूँ अब। यस सर वन मिनट सर वन मिनट। इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगी। एक एक्स पे 40 रुपए का प्रॉफिट, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स हो जाएंगे। लेंथ मशीन पे 12 मिनट चाहिए एक्स को, 6 मिनट चाहिए वाई को, ठीक है, और टोटल लेंथ मशीन पे 3000 मिनट अवेलेबल है। तो मैं कितना भी x बनाऊंगा उतना इंटू 12 मिनट चाहिए, कितना भी y बनाऊंगा उतना इंटू 6 मिनट चाहिए, लेकिन ये दोनों ज्यादा नहीं हो सकता 3000 से, क्योंकि 3000 मेरे पास टोटल लेथ मशीन की अवेलेबिलिटी है। टोटल मिनट्स लेथ मशीन पे 3000 से ज्यादा नहीं हो सकते, x के एक यूनिट पे 12, y के एक यूनिट पे 6। सिमिलरली आई विल हैव इक्वेशन 4x प्लस 10y लेस देन इक्वल टू 2000, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 900। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? जल्दी से पूछ लो तो आगे बढ़ू मैं। नो सर। जल्दी से पूछ लो भैया, xy क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये वाली कंस्ट्रेंट तो लगा ही देना जहां पे रियल इक्वेशन है, जहां पे रियल प्रॉब्लम है वहां पे तो आंख बंद करके लगा देना। फटाफट प्लॉट करता हूँ, फटाफट प्लॉट करता हूँ। सबसे पहले ये वाले उठा लेता हूँ, 12x plus 6y बराबर 3000 मान लेता हूँ। x को 0 पुट किया, y 500, x को 0 पुट किया, y 500, 0,500, y को 0 पुट किया, x 250, y को 0 पुट किया, x 250, लाइन खींच देता हूं, बिना किसी ये हो गई मेरी लाइन पहली वाली। इसके बाद हरे रंग से बनाता हूं दूसरी वाली, 4x प्लस 10y वाली। x को 0 पुट किया, y 200,
एक्स को जीरो पुट किया वाई 200, वाई को जीरो पुट किया एक्स 500, आई होप किसी को कोई प्रकार की दिक्कत ना हो रही हो। इसके बाद कौन सा कलर ले लूं, नीला कलर ले लेता हूं ये वाला बनाने के लिए। x को जीरो पुट किया y 300, x को जीरो पुट किया y 300, y को जीरो पुट किया x 450, ये फटाक से लाइन बना देता हूं, ये बना दिया ठीक है। अगर तीनों में कॉमन रीजन देखूंगा, अगर तीनों में कॉमन रीजन देखूंगा मेरे भाइयों, ये आ गया कॉमन रीजन, समझ रहे हो ना कॉमन। अबे लेस देन इक्वल टू था, तीनों में लेस देन इक्वल टू था ठीक है ना, नीचे के पॉइंट्स वैलिड थे, ये लाइन और इसके नीचे के पॉइंट्स वैलिड थे, लाइन और उसके नीचे के पॉइंट्स, ये एरो मार्क कर देता हूं तीनों में है ना। पिछले वाले में भी ऐसा ही था, पिछले वाले में भी ऐसा ही था। मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू होता किसी का साइन, कोई ग्रेटर देन होता तो ऊपर के पॉइंट्स वैलिड होते, पर अभी तो नीचे के पॉइंट्स वैलिड थे ना, तो नीचे के थे तो नीचे का कॉमन एरिया ये पीला वाला मिल गया, मार्क कर देता हूं ओ ए, ये वाला पॉइंट हो गया बी, ये हो गया सी। कोई बी निकाल देगा क्या, लाल हरे का इंटरसेक्शन? यस सर, 187.5 आई होप दिस इज करेक्ट ठीक है ना। बी और सॉरी किसका किसका इंटरसेक्शन है, ये बी वाला पॉइंट जो है ये अपना नीले हरे वाले और लाल वाले का, ये दोनों का इंटरसेक्शन है, ये दोनों का इंटरसेक्शन था ठीक है। अच्छा अब सुनो अगला काम क्या होता है, अगला काम होता है प्रॉफिट वाली लाइन, प्रॉफिट वाली लाइन को अगर खींचूंगा तो कुछ इस तरीके से आएगी। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या किसी को, जल्दी से बोलो हाना। यस सर। अब मेरे को पता है कि जो मेरा वो है, जो मेरा क्या है, अरे जो मेरा वो है ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, वो तो फिजिबल रीजन में ही मिलेगा। फिजिबल रीजन के कहाँ पे मिलेगा? वर्टेक्स पे। तो देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ये लाइन को उठाऊंगा तो ये लाइन को उठा के कहाँ ले जा पाऊंगा, वर्टेक्स पॉइंट्स पे ही ले जा पाऊंगा, ए बी सी पे ही ले जा पाऊंगा। मेरी बात समझ रहे हो ना सबके सब यार? यस सर। ठीक है ना, सुनो थोड़ा सा ज़ूम आउट कर ले दो, इतने में सबको दिख रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? नो सर। तो मैं निकाल रहा हूँ जेड एट ओ निकालता हूँ, ये तो जीरो आ गया, जेड एट ए निकालता हूँ, जीरो कॉमा 200, जीरो कॉमा 10,000, कितना 20,000, सॉरी 20,000 फिर z at b निकालता 20,000 20,000 यस सर 20,000 आ रहा है। z at c निकालता 10,000 अब सुनो मजेदार बात सुन लो, एक नहीं दो पॉइंट पे आ रहा है प्रॉफिट मैक्सिमम, आ रहा है ना? यस सर। तो मतलब मेरे से पूछा था कितना x कितना y, तो मेरा दो आंसर हो सकता है 0,200 और हो सकता है 187.5, 125। आप मेरे को बताइए इस प्रॉब्लम के कितने आंसर हैं? आप मेरे को बताइए, दो तो यहां पे मेरे को दिख गया है। माय क्वेश्चन टू यू इज, दो होगा कि एक होगा? सर एक ही होगा मेरे भाइयों। 0,200 सुन तो लो मेरे भाइयों, इस प्रॉब्लम का ना एक होगा ना दो होगा ना तीन होगा ना चार होगा, दिस प्रॉब्लम हैज मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन,
मल्टीपल ऑप्टिमल का मतलब होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। व्हाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस? देखो ध्यान से देखो, देखो मैं इस लाइन को, ये वाली जो लाइन है ना, इसको उठा के जब मैं इसको लेकर जाऊंगा, अब ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है भाई, क्या हो गया मेरे साथ? दूसरी लाइन उठ गई, सॉफ्टवेयर ग्लिच है सब, पता है कुछ नहीं सर, उस लाइन को नीचे कर लीजिए, यही सही है। चलो देखो, जब मैं इस लाइन को उठाकर अंदर ले जाऊंगा ना, और अंदर ले जाके मैं जब इसको ए वाले पॉइंट पे रखूंगा ना, तो देखो ए वाले पॉइंट पे रखने से हो क्या रहा है पता है, क्या हो रहा है खुद ही देख के बताओ ना क्या हो रहा है। अबे ये जो इक्वेशन है, कोइंसिडेंट हो रही है लाइन, वो कोइंसिडेंट हो जा रही है इस वाली इक्वेशन पे। कौन सी वाली इक्वेशन पे? जरा आंख फाड़ के देखो, हरी वाली इक्वेशन पे। ये है तुम्हारी हरी वाली इक्वेशन, क्यों कोइंसिडेंट हो रही है, क्यों कोइंसिडेंट है? जो प्रॉफिट इक्वेशन है 40x plus 100y और ये वाली जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन है, दोनों का स्लोप कैसा है? सेम, 4/10 सेम है सर, 4/10 दोनों का स्लोप सेम है, दोनों पैरेलल है। और हुआ क्या कि जब तुम मैक्सिमाइजेशन करने के लिए इसको अंदर ले गए, तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जाके इसी वाली लाइन के ऊपर पे मैक्सिमाइज हो गया। और इस वाली लाइन पे मैक्सिमाइज होने का मतलब है कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है ए से लेके बी तक, उन सब के ऊपर तुम्हारा प्रॉफिट मैक्सिमम आएगा। और कितना आएगा? 20,000। तो मतलब ये है ना बे कि यहां से ए से लेके बी के बीच में जितने भी पॉइंट होंगे, वो सारे के सारे तुम्हारे लिए कैसे सॉल्यूशन हो गए? फिजिबल सॉल्यूशन। अबे फिजिबल नहीं बे, ऑप्टिमल, ऑप्टिमल, ऑप्टिमल। और ए से लेके बी तक के बीच में कितने पॉइंट्स हैं? मेरी बात समझ में आई सभी को? यस सर। मैं अब एक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करता हूँ, मेरा स्टेटमेंट सुनना, आंसर करना यस और नो। इफ इन अ प्रॉब्लम the slope of the objective function and one of the constraint function, अगर किसी problem में objective function का slope और किसी भी एक constraint function का slope same होगा, तो that problem will have multiple optimal solution, yes or no? Yes sir. मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुन लो। अगर किसी प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन का स्लोप किसी भी कंस्ट्रेंट इक्वेशन के स्लोप के बराबर होगा, तो उस प्रॉब्लम का मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, यस और नो? नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड अभिषेक। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। द आंसर इज नो माय फ्रेंड्स, द आंसर इज नो। द स्टेटमेंट आई जस्ट यूज्ड कैन नॉट बी अ जनरल स्टेटमेंट, जनरल नहीं हो सकता। अबे यार ये जनरल स्टेटमेंट इसलिए नहीं हो सकता, मैंने जब, अबे मेरी लाइन कहाँ गई, ये रही, मैंने इस लाइन को जब उठाकर ऑप्टिमाइज करने के लिए लेकर गया, तो ये इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में इस लाइन के ऊपर जाके ऑप्टिमाइज हो गई। मान लो मैक्सिमम वैल्यू अगर सी पे आती, मैक्सिमम वैल्यू अगर सी पे आती, तो क्या तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता? नो सर। नहीं सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो अब मैं एक नया स्टेटमेंट दे रहा हूं। इफ इन अ प्रॉब्लम द स्लोप ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अगर किसी प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव फंक्शन का स्लोप और किसी भी एक कंस्ट्रेंट का स्लोप सेम होता है, द प्रॉब्लम मे हैव मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, द प्रॉब्लम मे हैव मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यस और नो? यस सर। वेरी गुड। नहीं भी हो सकता है ना, मे हैव हो सकता है, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अच्छा चलो मैं एक और स्टेटमेंट यूज करता हूं। इफ इन अ प्रॉब्लम स्लोप ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन डू नॉट मैचेस द स्लोप ऑफ एनी ऑफ द कंस्ट्रेंट फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का स्लोप और किसी भी कंस्ट्रेंट फंक्शन का स्लोप मैच नहीं करता, कैन द प्रॉब्लम हैव मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन? नो सर। नहीं हो सकता।
अगर मल्टीपल ऑप्टिमल चाहिए तो स्लोप सेम चाहिए, लेकिन अगर स्लोप सेम है तो क्या जरूरी है क्या मल्टीपल ऑप्टिमल होगा? नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अबे मेरी बात नहीं समझ में आ रही है क्या? आ गई सर। यस सर। सभी को आ गई? सभी को आ गई? यस सर। बस सर आ गई। सुनो जल्दी से काम करो, दो मिनट बचा है, एक स्टेटमेंट लिखो, जल्दी से एक स्टेटमेंट लिखो, राइट डाउन, हेडिंग देना मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। इफ द स्लोप ऑफ एनी ऑफ द कंस्ट्रेंट, इफ द स्लोप ऑफ एनी ऑफ द कंस्ट्रेंट इज सेम एज द स्लोप ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इफ द स्लोप ऑफ एनी ऑफ द कंस्ट्रेंट इज सेम एज द स्लोप ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कॉमा, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन मे और मे नॉट बी ऑब्टेन्ड, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन मे और मे नॉट बी ऑब्टेन्ड, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन मे और मे नॉट बी ऑब्टेन्ड, बट इफ द स्लोप ऑफ एनी ऑफ द कंस्ट्रेंट्स, if the slope of any of the constraints, if the slope of any of the constraint do not matches the slope of the objective function, do not matches the slope of the objective function, multiple optimal solution will not be obtained, multiple optimal solution will not be obtained. पिछला वाला जो केस किया था उसमें एक ही सॉल्यूशन आया था, यूनिक सॉल्यूशन का केस था, यूनिक सॉल्यूशन, बट ये वाला जो किया है इसमें एक से अधिक सॉल्यूशन है, सो द प्रॉब्लम इज अ केस ऑफ मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ग्राफिकल मेथड से दो टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं, अभी तक की क्लास में दो टाइप के सॉल्यूशन डिस्कस कर लिए हैं, एक यूनिक, दूसरा मल्टीपल ऑप्टिमल, दो और टाइप के होते हैं, कल की क्लास में डिस्कस करूंगा, मिलेंगे 7:50 को, तब तक के लिए बाय, कोई भी डाउट होगा तो व्हाट्सएप पे पूछिएगा, जाऊं? यस सर, थैंक यू सर। Thank you.